हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आलो। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो अब तक के टेस्ट हो चुके हैं 15 तक, 1 से लेके 15 तक, जिसमें आपकी जो 500 क्वेश्चन की जो एक क्रमिक श्रृंखला चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, ठीक है, जिसका फीडबैक भी आ रहा है बच्चों का कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं बच्चों के, देखा मैंने, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं कि नहीं आप लोग भी इसको अच्छे से देख रहे हैं, तो लगता है कि हाँ, जो एक ये जो मिशन बना हुआ है 500 प्रश्नों का वो सफल है, ठीक है, यानी लोग इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है और ये डिस्कस करना चाहिए, तो मैं उसको जरूर बनाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है ना कि परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है, तो फ्रेंड दाय भाग और मिताक्षरा लगता, तो जब यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे आप हल्के में भी ले सकते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन फ्रेंड्स आसान तो है, लेकिन यही प्रश्न जब एग्जामिनेशन में आता है ना, तो वहीं पे प्रश्न लोगों से गलत हो जाता है। पिछली बार क्या हुआ था, पेपर इतना आसान आ गया था कि जब पेपर सभी लोगों ने देखा तो मतलब जो भी लोग तैयार किए थे वो लगभग 105-100 प्रश्न देखते ही सही कर गए। तो क्या हुआ, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया लोगों को, लगा रहे पेपर बहुत आसान है, बहुत अच्छे से जो है हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाद में जब हम जैसे ही प्रश्न बढ़ते जाते हैं ऊपर 105 110 प्लस जैसे ही हम होते हैं, ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, वहीं से ही क्वेश्चन फिर जो ऊपर ले जाना, यानी 110 प्लस में ले जाना, 115 प्लस में ले जाना, क्योंकि मेरिट इतनी हाई जा रही है अब कि आपको आपको पता होगा कि 113 क्वेश्चन सही जिनका हुआ था जनरल का, उनका इंटरव्यू कॉलिंग हुआ था, ठीक है, 113 14 15 पे, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपको सही करने चाहिए, क्योंकि मेरिट का क्या भरोसा, पता चले पिछली बार 113 14 गया, इस बार जो है और ज्यादा चला जाए, तो इसलिए सारे प्रश्नों पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। और ये पकड़ कैसे बनती है, लगातार प्रैक्टिस से। और अब कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सभी लोग देखा जाए तो तैयारी कर रहे हैं, पहले बहुत कम लोग जुड़े होते थे, चीजें नहीं होती थी, ऑनलाइन चीजें नहीं रहती थी, अब सभी अभ्यर्थी जो है वो अपना चैनल है, तमाम सारे चैनल हैं, तमाम सारी पुस्तकें आ गई लोगों के पास में, लोग अवेयर हो गए, ठीक है, संस्थान में ही इतनी सारी जो है फ्री आप कास्ट वीडियोज देखिए पड़ी हुई है, लगभग 300-400 वीडियोज पड़े हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैनल पर। तमाम सारे बच्चे फीडबैक देते हैं कि मैं यहाँ से पढ़ा चैनल से और पहली बार में ही नेट जो ये जो आपका चैनल है इससे पढ़ करके सब्जेक्ट में जो है 110 प्लस क्वेश्चन सही कर पाना कोई कठिन बात नहीं, क्योंकि 110 प्रश्न तो लगातार रिवाइज ही होते रहते हैं, अपडेट 2-4 प्रश्न नए आते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जब हमारे एक दो, वहीं से हमारा मेन हम जो अपना लक्ष्य है उसी से बाहर हो जाते हैं। जैसे बाहर कैसे होते हैं, अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है, ये जन्मजात अधिकार किससे प्राप्त होता है, मिताक्षरा है कि दाय भाग है। अब जिसका नहीं क्लियर है वो तो दाय भाग लगा देगा, मिताक्षरा लगा देगा, वहीं पे उसका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। अब इसमें तमाम चीजें होती है, तो ये कैसे सही होगा, ये हमारा प्रैक्टिस से सही होगा। तो प्रैक्टिस के लिए ही सर ने बोला कि नहीं, कुछ जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बन जाए, उसके लिए कम से कम कुछ प्रश्न डिस्कस करवा दीजिए और ये उनको पता चले कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे ये दिमाग लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी तो 2 साल से संस्थान में लगातार प्रैक्टिस हो रही है, इसीलिए कि अगर आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो 2 साल का मतलब मान के चलिए कि 42-43 तो सिर्फ मॉक टेस्ट, 42-43 का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि अब मान के चलिए कि 4300 क्वेश्चन, ठीक है, 43-4400 क्वेश्चन, यानी 4500 क्वेश्चन तो सिर्फ आपने मॉक टेस्ट दे लिया संस्थान में हर शनिवार को। उसके बाद में उसके पहले जो हुआ था टॉपिक वाइज, यानी जैसे कॉम्प स्पेंसर मार्क्स दुर्खीन जो भी आपके थिंकर्स या जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो चीजें थी, ठीक है, वहां से आपका टॉपिक वाइज बनता था क्वेश्चन। तो अब लगातार जब आप 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी एग्जामिनेशन की भी कोई डेट नहीं है, तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपकी उन प्रश्नों पर पकड़ बन जाती है, ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी हो। अब जो नहीं करता है वही वहां जाके कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या है, तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो उसको अच्छे से अपनी निरंतरता को बनाइए, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको देखिए कि ये प्रश्न गलत क्यों हो रहा है, ठीक है, उसको नोट करिए, उसको 2-3 बार फिर से रिवाइज करिए। तो ये सब कुछ ट्रिक है, ठीक है। तो पीजीटी के लिए जो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, ये आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है, और अपना फीडबैक भी दीजिए, जो चीजें लग रही है कि नहीं इसमें और
कहाँ से प्रश्न या कुछ चीजें जो लग रहा है कि यहाँ पॉइंट से क्वेश्चन बनने चाहिए तो वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि वहां से भी प्रश्नों को बनाने की जो है लगाए जाए, ठीक है, ताकि वो भी इसी बहाने आपका तैयार हो जाए। और एक शुभ सूचना ये भी है कि आरपीएससी का जो फॉर्म है वो 25 तक फिल हो रहा है, लास्ट डेट है उसकी, तो जो लोग ना भर पाए हो वो लोग अपना फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। और आरपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो भी आज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जो आरपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट हो रही है उसकी स्टडी जी आज सर शेयर करेंगे, ठीक है। आपके चैनल पर आएगा तो उसमें जो भी होगा सिलेबस वगैरह वो सर के माध्यम से बताया जाएगा, जो अभ्यर्थी इच्छुक होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है जब हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जान ही नहीं पाते हैं कि फॉर्म कब आया, फॉर्म कब चला गया, या मतलब क्या चीजें इसमें पहले कौन से वीडियोज अपलोड किए गए हैं, अब ये क्यों किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जानकारियां भी होती हैं, ठीक है। तो आइए हमारे साथ, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे 376 से लेके 400 तक। तो 400 तक प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में फिर जो है 401 से लेके 500 तक आपके, यानी 4 टेस्ट और बचेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड करूं, ठीक है। तो आइए हमारे साथ, बहुत सारी बातें हो गई आपसे और जो है इस क्वेश्चन को आप डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 376 है कि किस नियम के अनुसार जो परिवार की संपत्ति है, ठीक है, यानी परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स ये उत्तराधिकार का नियम है, एक दाय भाग का नियम और मिताक्षरा का नियम। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, तो सबसे पहले जो करेक्ट आंसर होगा कि जन्मजात जो अधिकार होता है ये फ्रेंड्स होता है मिताक्षरा के नियम में। इसमें मिताक्षरा के नियम में, और इसके जो प्रतिपादक थे ये कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है आपका कि मिताक्षरा के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, ठीक है। तो कौन थे फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी फटाफट कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा समय भी देती हूँ। तो जो मिताक्षरा के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, विज्ञानेश्वर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा जिनका नहीं तैयार होगा, ठीक है। विज्ञानेश्वर थे इसके जो प्रतिपादक थे, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट भी कर दे रही हूँ, विज्ञान ईश्वर थे, ठीक है, मिताक्षरा का नियम। और ये कहाँ पे है, ये पूरे उत्तर भारत में है, ठीक, सिर्फ दो जगह को छोड़ के, जो मिताक्षरा का जो नियम है ये पूरे उत्तर भारत में पाया जाता है, सिर्फ दो जगह को छोड़ के। कहाँ पे, असम और बंगाल। तो असम बंगाल में क्या है, दाय भाग का नियम। क्या है, दाय भाग का नियम जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, असम और बंगाल में आपके, और बाकी जगह पे क्या है, मिताक्षरा का नियम है। मिताक्षरा के नियम में क्या होता है कि जन्म से ही जो संपत्ति होती है वो प्राप्त हो जाती है रक्त संबंधों के आधार पर, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये 11वीं शताब्दी में आपके जो है, जो 11वीं शताब्दी थी वहां से ये उसके अंत में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और 12वीं में ये आते आते पूरा जो है मिताक्षरा का नियम लागू हो गया था, ठीक है, 11वीं शताब्दी के अंत से लेके और 12वीं शताब्दी में इसके शुरुआत हुआ था। तो ये 11वीं शताब्दी इसका अंत माना जाएगा, और जबकि जो दाय भाग का नियम था फ्रेंड्स ये कब था, ये पूरा 11वीं शताब्दी इसका जो आरंभ है, ठीक है, ये वाला 11वीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दाय भाग का नियम 11वीं शताब्दी, जबकि जो मिताक्षरा का नियम है ये कब प्रचलित हुआ, ये 11वीं शताब्दी के अंत में और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो मिताक्षरा है ये पूरे उत्तर भारत में लागू है, सिर्फ दो जगह को छोड़ के, कहाँ कहाँ पे, असम और बंगाल। तो वहां पे कौन सा है, दाय भाग का नियम। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो कभी कभी दाय भाग के प्रतिपादक का नाम पूछ लिया जाता है, तो इसके कौन है, इसके हैं आपके जीमूतवाहन। कौन है, जीमूतवाहन, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जीमूतवाहन है इसके, ठीक है, ये दाय भाग के। तो दाय भाग के आपके जीमूत वाहन हो गए, और जबकि वहीं पे मिताक्षरा का जो नियम है उसके कौन है, विज्ञानेश्वर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये छोटे छोटे प्रश्न क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बता दिया गया है प्रतिपादक वगैरह की, ताकि इसी समय ये चीज क्लियर हो जाए आपकी, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको तैयार कर लिया होगा अब, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे है जीमूत वाहन वाला, दाय भाग का, ये असम और बंगाल में है, ठीक है। और जो है ये आपका जो विज्ञानेश्वर वाला है, ये मिताक्षरा का नियम है, ये पूरे उत्तर भारत में है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जन्म से ही संपत्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आप
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि किसके अनुसार परिवार क्या है, एक सार्वभौमिक संस्था है, ठीक है। तो परिवार क्या है, किसने कहा कि परिवार एक क्या है, सार्वभौमिक संस्था है, तो ये किसने माना था, ब्राउन, एम एन श्रीनिवास, मर्डॉक या आईपी देसाई। तो फ्रेंड्स परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था जो माना था वो माना था जीपी मर्डॉक, किसने, जीपी मर्डॉक महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि निम्न में से बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम कौन सा है। तो जो बहिर्विवाह का जो सर्वाधिक सामान्य नियम है वो कौन सा है, तो वो है देखिए अगम्य गमन वर्जन, वर्गगत वर्जन, प्रजातीय वर्जन या जातिगत वर्जन। तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन, ठीक है। बहिर्विवाह का जो सर्वाधिक सामान्य नियम है वो है अगम्य गमन वर्जन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसने कहा कि भूमिका पद की पूर्ति करने का प्रत्याशित ढंग है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है भूमिका, परिस्थिति से जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ठीक है। भूमिका पद की पूर्ति करने का प्रत्याशित ढंग है, ये किसने कहा, तो किसने कहा था, गुडे, मर्टन, डेविस या गिन्सबर्ग। तो फ्रेंड्स ये जो कहा था कि भूमिका पद की पूर्ति करने का एक प्रत्याशित ढंग है, तो ये कहा था मॉरिस गिन्सबर्ग महोदय ने, ठीक है। मॉरिस गिन्सबर्ग की पुस्तक जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में मैंने इनकी पुस्तक का नाम बताया था, ठीक है, लेकिन आप लोग बताइएगा तो ताकि पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को देख भी रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग करेंगे वो बधाई के पात्र हैं उसके, ठीक है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं होंगी हमारे लिए। और देखिए अगला जो इसमें है, सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है, दुर्खीम, रूथ कैवन, इलियट और मैरिल गिन्सबर्ग। तो लग तो रहा है कि सभी को ही पता है, लगभग सबको पता है सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे द सुसाइड तो दिया नहीं गया, दिमाग देखिए कहाँ पे लगाना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत है, तमाम सारे प्रश्न हैं चैनल पर पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये 500 प्रश्न इसीलिए करवाए गए हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो निकल सके, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिस चली रही है आप लोगों की, ठीक है। देखिये सुसाइड होता है और एक द सुसाइड होता है, अब अंतर यहीं पे हो गया, ठीक है। अब रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, थोड़ा सा अंतर हो गया ना, आप सभी लोगों को पता है प्रीवियस ईयर पेपर में ये प्रश्न आए हुए हैं। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड दुर्खीम का है और द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये एंथोनी गिडिंग्स का हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ही अंतर है, तो ऐसे द सुसाइड किसका होगा, दुर्खीम का, लेकिन ओनली सुसाइड है तो पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, रूथ केवन, किसकी पुस्तक है, रूथ केवन की पुस्तक है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें हैं फ्रेंड्स, इसको देखते हुए चलना है और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और 500 प्रश्न अगर हो जाएंगे उसके बाद में भी एग्जाम में भी समय है, अगर लगेगा कि नहीं कुछ प्रश्न और करने चाहिए, ठीक है, तो आगे और भी वीडियो अपलोड होंगे, ऐसा नहीं है कि 500 प्रश्न पे ही रुक जाएगा, ठीक है, सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए, ठीक है, और लोगों को भी शेयर करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 381 है कि समाज का तीन स्तरों में वर्गीकरण, जो समाज का तीन स्तरों में वर्गीकरण, संरक्षक, सहायक और मजदूर। देखिए डेनियल थानर वाला हर बार पूछा जाता, अभी जब आज या कल में मैं करवा रही थी ना पेपर नेट वाला, उसमें आया था किसान, मालिक और मजदूर वाला, ठीक है। तो ये वाला जो आया था ना वो किसका था, डेनियल थानर का भी वो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जबकि वो नेट में बहुत बार रिपीट हुआ है अब। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है कि समाज के तीन स्तरों में वर्गीकरण, संरक्षक, सहायक और मजदूर। बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉम्टे, अस्सी दुबे, श्रीनिवास, अरस्तु, तो इसके कौन हो जाएंगे कि जो समाज का तीन स्तरों में वर्गीकरण किए, यानी संरक्षक, सहायक और मजदूर। तो ये नया है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, कॉम्टे, श्रीनिवास, एससी दुबे या अरस्तु। तो फ्रेंड्स ये जो वर्गीकरण किया था तीन प्रकार का, ये किया था अरस्तु महोदय ने, किसने, अरस्तु। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, यहाँ पे है परिभाषा है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है, तो ये किसने कहा, ओडम, टेलर, डब्ल्यू जी मूरे या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन का, ठीक है। तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स, ये कहा था डब्ल्यू जी मूर महोदय ने, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि मूल जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ हैं, ठीक है। तो जो मूल्य है ये क्या है, जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट
ये जो डेफिनेशन है कि मूल जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ हैं, तो किसने कहा? आर के मुखर्जी जो है, अलेक्स इंकेल्स और जो है ईएम केस, ठीक है, और उसके बाद में सोरोकिन। तो फ्रेंड्स इसका जो ये करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीएम केस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सीएम केस इसमें है आपके मूल्य वाले सिद्धांत में, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लगेगा कि आर के मुखर्जी मूल की बात करते हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन दी है कि मूल्य जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ हैं, ये किसने कहा? सीएम केस। तो सीएम केस आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अगला प्रश्न है कि प्रघटना शास्त्र इसके लिए एक अतिवादी विकल्प है। तो जो प्रघटना शास्त्र है किसके लिए एक अतिवादी विकल्प है? प्रकारवाद के लिए, उद्विकास के लिए, प्रसारवाद के लिए या प्रत्यक्षवाद के लिए? तो जो प्रघटना शास्त्र है ये अतिवादी विकल्प है किसके? प्रत्यक्षवाद के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकारवाद और प्रत्यक्षवाद में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये जो प्रघटना शास्त्र है ये किसके लिए अतिवादी विकल्प है? तो ये प्रत्यक्षवाद के लिए है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्रत्येक समुदाय का कोई विशिष्ट नाम होता है, इस विषय पर यह कथन किसने दिया है कि यह समरूपता का परिचायक है, यह वास्तविकता का बोध कराता है, यह बहुधा व्यक्तित्व का कुछ अंश होता है, ठीक है। तो प्रत्येक समुदाय का कोई विशिष्ट नाम होता है, बिल्कुल होता है, इस विषय पर यह कथन किसने दिया कि यह समरूपता का परिचायक है, यह वास्तविकता का बोध कराता है, यह बहुधा व्यक्तित्व का ही कुछ अंश होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात कही है, किसने कही है फ्रेंड्स? देखिए ये कही है लुंगले महोदय ने। किसने? लुंगले महोदय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि क्रय द्वारा किया गया जो विवाह है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पीजीटी में पूछा गया है कि जब क्रय के द्वारा जो विवाह किया जाता है उसे कौन सा विवाह कहते हैं, ठीक है। तो चार मान्य विवाह है और चार अमान्य विवाह है, टोटल जो है वो आठ प्रकार के विवाह है, ठीक है। तो जो क्रय द्वारा है वो अमान्य विवाह में आता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? आर्स विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या पैचास विवाह? तो फ्रेंड्स जो क्रय द्वारा किया गया जो विवाह होता है इसको असुर विवाह कहते हैं। कौन सा? असुर विवाह कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा है। जो विस्तृत परिवार है ये क्या है? मूल परिवार का उल्टा है, यह विद्यमान नहीं है। तो किसमें नहीं है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, जापान में या चीन में। तो फ्रेंड्स विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा है, यह विद्यमान नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य कहा जाता है। स्त्रियों के लिए जो विवाह है ये अनिवार्य कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र संस्कार है जो उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। यानी स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य कहा जाता है क्योंकि यही क्या है? एकमात्र संस्कार है जो उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो पीएन प्रभु, केएम कपाड़िया, पीवी कांडे या एएस आल्टेकर, ठीक है। तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स, ये बताना है। तो ये कहा था आपके पीवी कांडे, ठीक है, पीवी कांडे महोदय ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है। तो परिवार में जो चर्चा की थी, ये जो डेफिनेशन दी थी कि परिवार ही क्या है, सारे असंतोष की जड़ है या परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है, ठीक है। तो ये जैसे अभी पिछली बार पूछ लिया था ना इसके पहले वाले में कि विवाह विवाह जो है बीमार अस्पताल, बीमार अस्पताल है, ठीक है, लोगों के लिए, ठीक है, बीमार लोगों के लिए एक अस्पताल है, तो लूथर का था ना। ऐसे ही ये क्या कहे कि परिवार ही क्या है, सारे असंतोष की जड़ है, स्रोत है। तो मार्क्स, लीच, दुर्कीन या कुले, तो फ्रेंड्स ये किसका हो जाएगा? लीच महोदय का, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन अस्तरण को समकालानात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है। तो कौन जो अस्तरण है उसको समकालानात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है? तो मैक्स वेबर, डेरन डार्क, पार्सन्स, सी राइट मिल्स। तो किसने देखा था समकालानात्मक रूप में? ये देखा था आपके मैक्स वेबर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए जो इम्पोर्टेंट होता है अति वाला, वहां पे मैं बता देती हूँ आपको ताकि आप भी उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिए। मान लीजिए वो प्रश्न रिपीट हो जाए कहीं पे भी, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम देखिए कई सारे हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी जो पेपर में प्रश्न आ ही जाते हैं ना इम्पोर्टेंट वाले, तो अब पता चले कि आप देखे भी और उसको हल्के में ले लिए और पता चले वही क्वेश्चन आ गया, तो बाद में लोग कहते भी हैं कि अरे वो तो मैम ने वहां पे करवाया था लेकिन जो है हमने शायद ध्यान से देखा नहीं, वो क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो ये स्थिति ना हो, ठीक है, आप देख भी रहे हैं तो उसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है, ना देखिए वो ठीक है,
लेकिन देख करके गलत बिल्कुल भी ना होने पाए प्रश्न, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था। तो जो 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था, विकास का, आधुनिकीकरण का, प्रगति का या उद्विकास का। तो जो 19वीं सदी के दौरान फ्रेंड जो समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, तो वो था उद्विकास, ठीक है। तो उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अब ये लोग आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हमने दे दिया है, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है वो डी हो गया। अब क्वेश्चन 392 देखेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो ध्रुवीकरण का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन में सीमाओं का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सब जो पेंडुलम वाला सिद्धांत, ये किसका है, सोरोकिन का, ठीक है, किसका है, सोरोकिन का। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप में दो तीन प्रश्न बन जाते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो ये आकलन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है देखिए इसमें कि सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें जो समाजशास्त्रीय व्याख्या है वो किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है, यानी समाज की, सामाजिक संबंधों की, समूह की या संस्था की। तो फ्रेंड जो सामाजिक परिवर्तन की जो समाजशास्त्रीय व्याख्या होती है वो सामाजिक संबंधों पे फोकस करती है, ठीक है। मैकाइवर यंग पेज ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन अगला है कि द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, इसके पुस्तक कौन है, ठीक है। तो द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया जो पुस्तक है, ये इसके जो लेखक हैं वो कौन है, एनके बोस, एससी दुबे, डीएन मजूमदार या एलपी विद्यार्थी। तो फ्रेंड द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, डीएन मजूमदार, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। अगला है कि एक समूह जो प्रजाति और राष्ट्रीयता के गुणों और सूत्रों से संगठित रहता है और पहचाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा समूह जो प्रजाति और राष्ट्रीयता के गुण और सूत्र से संगठित रहता है और उसे पहचाना जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रजाति, लोक चरित्र, समुदाय या आंचलिक समूह। तो फ्रेंड्स को लोक चरित्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दशक को अंतरराष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया था, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस दशक को अंतरराष्ट्रीय महिला दशक के रूप में घोषित किया गया था। 1965 से 75, 75 से 85, 85 से 95 या 1980 से 90। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 75 से 85 का जो दशक था, ठीक है, 1975 से 85, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यह किसका कथन है कि समाज और अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा कि जो समाज और अनुचलन है ये किसके लिए है, आचरण के लिए उत्तरदायी। तो बिल्कुल समाज जो है क्या करता है, समाज ही देवता है, किसने कहा था, दुर्खीन। तो देखा जाए तो समाज क्या है, लोगों को नियमित भी तो करता है कि आप कैसा आचरण करेंगे, यानी बड़ों के साथ में जब हम समाज में रहते हैं तो उनका पैर छूते हैं, ठीक है, या जो आचरण है वो अनुचलन यानी समाज के ही मापदंड पे हम करते हैं, ठीक है। तो आचरण के लिए, अनुचलन के लिए उत्तरदायी है ये किसने कहा, यानी समाज और अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, तो ये किसने कहा, रॉबर्ट मर्टन, लैंडिस, सेथना या फेरिस। तो फ्रेंड्स इसको जो कहा था वो रॉबर्ट मर्टन ने कहा था, किसने कहा था, रॉबर्ट मर्टन यानी आर के मर्टन, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक किसने लिखी हुई। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, लोम्ब्रोसो, सेथना और उसके बाद में मार्क्स, सदरलैंड। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के जो राइटर हैं वो हैं सदरलैंड, ठीक है, किसने लिखा था, सदरलैंड महोदय ने, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें द फिलोसफी ऑफ मैन, ठीक है, द फिलोसफी ऑफ मैन जो 1966 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसके राइटर कौन है, देखिए यहाँ पे मैलिनोवस्की, राधा कमल मुखर्जी, रॉबर्ट किंग मर्टन, दुर्खीन। तो फ्रेंड्स ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी, इनकी बहुत सारी पुस्तकें, लगभग 35-36 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में है, तो एक बार आप पूरी पुस्तकों को इनको देख लीजिएगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जरूर जो है यहाँ से मुखर्जी वगैरह से आ जाता है, जैसे घुरिये की पुस्तक हो गई,
आपकी जो है मैं श्रीनिवास की हो गई, ठीक है। तो इस टाइप में जो क्वेश्चन है ये बुकों वाले, तो आप बुक वाला जरूर एक लिस्ट जो है देख के जाइएगा, ठीक है, जो भी आपके थिंकर्स में है, जैसे अरविंद हो गए, इन सब की जो पुस्तकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का, जो आपकी क्विज है 16 नंबर, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है यानी 400 नंबर क्वेश्चन, यानी हर्श कोविट्स के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो एक ये डेफिनेशन है, ठीक है, तो इसमें जो है जो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है ये एक प्रकार से डेफिनेशन भी आ जाती है, ठीक है, कि संस्कृत क्या है, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यही बन जाता है, तो उसमें हर्श कोविट्स का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हर्श कोविट्स के अनुसार जो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है वो क्या है, सभ्यता है, परंपरा है, संस्कृत है या रूढ़ी है। तो इसमें आपका संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, यानी कल्चर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की जो श्रृंखला थी वो यहीं पे समाप्त होती है। हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।